जी एक्चुअली ये सॉन्ग है अनाथ बेटियों के ऊपर है। हाँ इसका टाइटल है वो पापा, और ये सॉन्ग जो है अनाथ बेटियों के ऊपर है। तो मोस्ट ऑफ प्लीज स्पॉन्सर निशित भाई देसाई साहब ने किया है और हमारी टीम भी है, तो निशित भाई देसाई इसके बारे में बेटर बता पाएंगे। देखिए हम आप लोगों जो इतना बड़ा हौसला कर रहे हो, आप किसे कर रहे हो? एक सूरत में एक छोटा सा सब्जी बेचने वाला एक आम गरीब लड़का और सूरत के सारे लोगों को इकट्ठा करके उन्होंने सबसे पहले कोरोना पर एक संदेश दिया। इसके बाद उन्होंने बेटियां बचाओ, आप सब जानते हो कि हमारे देश में सबसे ज़्यादा दो मंथ का गर्भ होता है, अगर वो फीमेल है तो इसे रिमूव किया जाता है। तो बेटियां बचाओ पर एक बहुत बढ़िया सॉन्ग उन्होंने किया, अरुण कुमार जी ने, वो सूरत में लॉन्च किया। लेकिन ये जो आज हम आपके सामने हैं और आप इतना बड़ा हौसला कर रहे हैं, ये सॉन्ग बेटी को एडॉप्शन का है। एक बच्ची रास्ते में गुमनाम छोटी सी बच्ची है, उसको एक लड़का, एक आम गरीब आदमी, मिडिल क्लास पर्सन, उसे एडॉप्ट करता है, उसे एडॉप्ट करता है, उसको अनाथ आश्रम भेजता है। अनाथ आश्रम के बाद फिर वो उसकी वाइफ के साथ, जब वो वहाँ पे जब अनाथ आश्रम भेजता है तब उसको वो ही वॉज अनमैरिड, लेकिन मैरिज के बाद फिर वो और उसकी वाइफ 6-7 साल की बच्ची को एडॉप्ट करके घर लाते हैं। मतलब एक अनाथ बच्चियों का एडॉप्शन में बच्ची की जो आवाज़ है ओ पापा, मतलब ओ पापा, ये इसका थीम है, ये संदेश है। अगर आप पुराने दो सॉन्ग कभी टाइम निकाल के देखोगे 2 मिनट, तो आपको लगेगा कि इस आपकी सरस्वती के माध्यम से समाज परिवर्तन का एक सोशलाइज मैसेज है, संदेश है। ये बहुत बड़ा संदेश देने का प्रयास है और आज बड़ी हिम्मत करके आपके सामने बॉम्बे में ये लॉन्च आज कर रहे हैं। हम आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रगुजार है कि आप इतना हौसला जाहिर कर रहे हैं, और आपके आशीर्वाद और ब्लेसिंग से ये समाज परिवर्तन का ये सॉन्ग, ये सरस्वती बहुत आगे जाएगी और लोग इसे बहुत ही प्रतिभावित करेंगे। धन्यवाद जी। सर आप क्या कहना चाहेंगे इस सॉन्ग के बारे में, और थोड़ा सा अगर बताएं कि कैसे जुड़े आप सॉन्ग के साथ? एक्चुअली सेंटर, हाँ एक्चुअली ये सॉन्ग की शुरुआत ऐसे हुई थी कि मैं अपने एक फ्रेंड के साथ में गया था अनाथ आश्रम कुछ डोनेट करने के लिए। ठीक है, अब जब मैं डोनेट करने के लिए गया तो मैंने काफ़ी चीज़ें नोटिस की, जैसे कि दिवाली आती है, कोई त्यौहार आता है, तो महीने में सिर्फ एक बार उनको मतलब अच्छी फैसिलिटीज मिलती है, अच्छा प्यार मिलता है, लेकिन ये सब फेस्टिवल ख़त्म हो जाने के बाद उसका क्या? फिर मेरे दिमाग में ये सॉन्ग आया कि मैं एक राइटर हूँ, तो अनाथ बेटियों के लिए एक सॉन्ग बनाऊँ और इसको मैं मार्केट में लेके आऊँ। और एज ए राइटर क्या क्या चैलेंजेस थे कि लोग जो है एंटरटेन भी हो, और जैसे सर ने कहा कि एक मैसेज भी लोगों तक पहुँचे, अगर उस बारे में कुछ शेयर करना चाहे एज ए राइटर? बस ये सॉन्ग सब तरह पहुंचे और लोग इसको अप्रिशिएट करें, बस इतना मैं दिल से चाहता हूं। और अगर सर जो 2 लाइनें अगर आप बता दें हमारी ऑडियंस को गाने की। आप गाने की 2 लाइन। तेरा मेरा रिश्ता है क्या, मुझको नहीं है पता, तूने कहा मुझको पापा, हैरान मैं रह गया, ना कभी मिल सका साया माँ बाप का, इस जहाँ में मिला प्यार सिर्फ आपका, ओ पापा मेरी सारी खुशियों का जहाँ, इस तरह का था। इसको मैं एनी चॉइस, मेरा खुद का अपना यूट्यूब चैनल है जिसके साथ में कंबाइन में है प्रगति पिक्चर प्रोडक्शन और एंजॉय एंजॉय एंटरटेनमेंट। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। जी थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो मैं आप सब मीडिया भाइयों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ कि आप आज इतनी संख्या में हमारे छोटे से निमंत्रण पे पधारे, आपका सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अब रही बात की ये जो ओ पापा सॉन्ग है हमारे अरुण जी निकम, जो हम सूरत से बिलोंग करते हैं, मैं भी एक छोटा मोटा फिल्मों में आर्टिस्ट हूँ और मेरी प्रगति पिक्चर प्रोडक्शन है, तो मैं अरुण जी मेरे पास एक प्रपोजल लेकर आए
ये मेरे को टाइटल अच्छा लगा। ओ पापा, एक अनाथ बेटी जो रस्ते के अंदर किसी के द्वारा फेंक दी गई थी और उसको अरुण जी ने लेकर के एक अनाथ आश्रम में आते हैं। मैं अनाथ आश्रम का प्रिंसिपल हूं और मेरे पास ऑप्शन लेके आते हैं, भाई इस बच्चे को आपको बड़ा करना है। उस बच्चे को बड़ा करने के साथ साथ हम लोगों ने उसको संस्कार भी दिए और उस बच्चे को हमने पूरा अच्छी तरह से लालन पोषण किया, जैसे हम अपने हमारे घर के बच्चे को करते हैं। कुछ समय के बाद 5-7 साल 8 साल के बाद अरुण जी उस बच्चे को वापस अपने संतान नहीं होने के कारण अडोप्ट करने के लिए आते हैं, तो मैंने उनको यह बच्ची सहर्ष उनको दे दी और अरुण जी ने उस बच्चे को पढ़ाया लिखाया और बड़ा किया और अपने घर में लालन पोषण करके उसको खूब लाड प्यार दिया। बंधुओं, एक जो लावारिस बच्ची रस्ते में किसी के द्वारा फेंक दी जाती है, उसके ऊपर अपन कल्पना करें तो उसके साथ क्या गुजरती होगी, एक बहुत बड़ा चर्चा का सोचने जैसा विषय है। उसके ऊपर अरुण जी के मन में आया कि क्यों ना इस बच्चे को अपन अपने घर में ले जा करके और इसको बड़ा करें, पढ़ाएं, लिखाएं। आज हमारे देश की बच्चियां बेटियां बहुत देश का नाम रोशन कर रही है। जैसे आज हमारी राष्ट्रपति आदरणीय श्री मुर्मू जी भी एक बेटी है, हमारी सानिया मिर्जा देखो, आप पीटी उषा देखो, आज हमारे देश में ऐसी बहुत सारी लड़कियाँ हैं जो देश का नाम रोशन कर रही है। ऐसे हमें जो अनाथ बच्चियाँ होती है उन अनाथ बच्चियों को अडॉप्ट करके और अपने को उनका एक नया भविष्य बनाना चाहिए और देश के काम ऐसा देश का नाम रोशन करे, ऐसे उनको अपने को शिक्षा और संस्कार देना चाहिए। ऐसे इस गीत के माध्यम से अरुण जी ने जो संदेश पूरे देश को दिया है, मैं पूरे देश से और पूरे सब लोगों से निवेदन करता हूँ कि इस सॉन्ग को सुनें, देखें और इसका पालन करें और हमें इस पूरे सॉन्ग को देख करके हमारे को पूरा इसका प्रतिशोध देवें, हमें आशीर्वाद देवें, ताकि हमारा ये चैनल और हमारा गीत आगे बढ़े और हमें आगे हौसला मिले ऐसे अच्छे काम करने के लिए। ये मेरा मंतव्य है। सर, आप क्या कहना चाहेंगे सर? मेरा नाम राजीव सुरती है। अरुण जी पिछले 4 साल से मेरे कॉन्टैक्ट में है। उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे ऐसे प्रोडक्ट मतलब ये प्रेजेंट किए हैं और बहुत ही अच्छा उनका मतलब वर्ड जो होते हैं वो इतने हार्ट टचिंग होते हैं। जैसे ही उन्होंने ये ओ पापा वाला ये मुझे बताया कि राजू भाई मैंने ऐसा एक सॉन्ग ये किया है और अनाथ बेटियों के लिए है। आज बेटियां देखे जाए तो अनाथ ही होती है, उनको पता ही नहीं होता कि उनका घर कौन सा है, उनको आगे कैसे बढ़ना है, कैसा ये करना है। तो ये जो सॉन्ग के माध्यम से उन्होंने जो मम्मी पापा का जो उनको प्यार दिया है ये सॉन्ग में, वो एक बहुत ही अच्छा और ये अपने मैसेज दे रहे हैं समाज को। और सही में बेटियाँ इसी लायक है, प्यार के लायक। तो आप भी समझते होंगे कि एक स्त्री को जो मिलना चाहिए वो एक वो प्रेम प्यार ये सब देने का ये संदेश दे रहा है ये सॉन्ग के द्वारा। तो वो पापा सुन के उनका मैंने जो ये किया तो मैं तुरंत उनसे जुड़ गया और बहुत ही प्राउड फील कर रहा हूँ आज कि ऐसे मेरे दोस्त हैं और आगे बढ़े। बस यही मेरा ये है। थैंक यू सो मच। हम सब मिल करके इस गाने को बनाया है, हमारी पूरी सूरत में टीम है, हमारे कप्तान अरुण जी है, अरुण जी निकम, मैं भी इसमें एसोसिएट प्रोड्यूसर हूँ, लेकिन सब काम अरुण जी की देख रेख में करते हैं। अरुण जी के ही सानिध्य में हम लोग चलते हैं। हम सब लोग मिल करके इस गाने को बनाया है और आप लोगों का ऐसे ही हमारे साथ प्रेम प्यार रहा तो हम और भी ऐसा सूरत में साहस करेंगे कि हमें लोगों को कुछ प्रेरणा देने के ऐसे इस टाइप के काम करते रहें, ऐसा हमारा सोच है। थैंक यू सर, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। ठीक है ना, जैसे कि अभी कंटेंट आ गया बट उसको अभी आगे बढ़ाना है, जैसे कि लाइक रिकॉर्डिंग करना है, पिक्चराइज करना है, तो इसके लिए फंड की रिक्वायरमेंट तो रहती है। तो उस टाइम पे किसी ने हेल्प नहीं की, लेकिन जैसे मैं राजीव भाई सुरती, नंदकिशोर अग्रवाल साहब से मिला, गणपत कोठारी जी से मिला, भावनाबेन पटेल, तो इन लोगों ने एक ग्रुप बनाकर इस प्रोजेक्ट को बूस्ट किया, आगे किया। थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू। जैसे कि मेरा, जैसे मैंने बताया कि कंसेप्ट मेरे पास था, ठीक है ना, मैं डायरेक्टर तो मैं खुद करने वाला था, लेकिन जैसे कि पिक्चराइज करने के लिए कुछ फंड की रिक्वायरमेंट रहती है, तो नंदकिशोर अग्रवाल है, राजीव भाई सुरती है, गणपत कोठारी जी है, लालमिया जी है, रामोतर लालमिया जी है, तो इन लोगों ने क्या है कि मुझे सपोर्ट किया, बहुत अच्छी तरह से सपोर्ट किया। उन्होंने बोला कि आप कंटेंट बहुत दमदार है, आप आगे बढ़ो, हम आपको पूरी तरह से सपोर्ट करने को रेडी है। जी, क्यों आप लोग ने इनको सपोर्ट किया बताएंगे? देखिए सर, हम एक ऐसे समाज से आते हैं जिसमें भ्रूण हत्या, बाल विवाह, सती प्रथा और सोनोग्राफी में जाकर के टेस्ट करवाना लड़का है या लड़की है, इस टाइप की इमेज अपने समाज की पूरे विश्व में बनी हुई है।
उससे धीरे धीरे डेवलप होकर के हम आज यहाँ इस पोजीशन में आए हैं कि हमें एक ऐसा प्रधानमंत्री मिला है जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देता है, और जो टॉप मोस्ट अपनी पोस्ट है आदिवासी द्रौपदी मुर्मू जी अपनी राष्ट्रपति हैं वो भी महिला हैं। तो आज अपने इस समाज में इस पोजीशन में आ गए हैं कि अपने बेटियों का रेशो जो है उसको बढ़ाना है और लड़कों का रेशो जो है उसको थोड़ा सा उसके कम या उसके इक्वल रखना है। तो बेटियां बचाने की जो प्रथा है उसमें ये प्रथा भी आती है कि अपने बच्चियों को जो छोड़ देते हैं, अनाथ छोड़ देते हैं या जन्म होते ही छोड़ देते हैं या अनाथालय में छोड़ देते हैं, कई बार अपने सूचना देखते हैं न्यूज़पेपर्स में न्यूज़ पोर्टल्स में कि कचरे के ढेर में बेटी मिली है, तो उन सबको बचाने की जो एक बीड़ा उठाई है अरुण बाबू ने और उसने ये पिक्चर बनाई है ओ पापा, ये संदेश देती है समाज को कि बेटियां भी बेटों से कोई कम नहीं है। जैसे वो पिक्चर है दंगल अपने बनाई है आमिर खान जी ने कि हमारी छोरियां कोई छोरों से कम नहीं है हरियाणा के हिसाब से, वैसे ही संदेश अरुण जी भी समाज को दे रहे हैं कि बेटियाँ जो हैं वो बेटों से कोई कम नहीं है, उनको बचाओ पढ़ाओ और उनको आगे बढ़ाओ ताकि वो समाज का नाम रोशन कर सके। यही संदेश इस मूवी में ओ पापा में अरुण जी ने देने की कोशिश की है। आभार। सर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो आज अरुण भाई ने जो समाज में फैली कुरीतियाँ बच्चियों के लिए जो चीज़ें हो रही है उनको ठीक करने के लिए जो गाना बनाया है वो बहुत ही प्रिय गाना बनाया है, और इसमें देश का एक संदेश भी छुपा हुआ है कि बेटियां तो आज की सबसे बड़ी कर्मवीर है, उन बेटियों को बचाने के लिए जो अरुण भाई का प्रयास है जो एक मैसेज है वो अति उत्तम है। और अरुण भाई से हम जुड़े हुए हैं क्योंकि अरुण भाई सदैव समाज में फैली कुरीतियों के लिए सदैव अग्रणी रह के बहुत सा काम करते रहते हैं, और इन्होंने ये गाना बनाया मैं गारंटी से बोलता हूँ बहुत अच्छा बनाया और बहुत ही लोक लुभावन भी होगा और एक बहुत बड़ा मैसेज होगा, और प्रधानमंत्री जी का जो सपना है ये गाने के माध्यम से काफ़ी लोगों के ऊपर प्रभाव करेगा और उनका सपना भी पूरा करेगा। बस धन्यवाद। थैंक यू। बताइए कैसा लगा गाना और कितना कनेक्ट किया था? देखिए चश्मा पहना हुआ है क्योंकि मेरी आंखें नम हैं। बेटियां जो हैं वो बहुत ही सेंसिटिव सब्जेक्ट है और मैं भी बेटी का बाप हूँ तो मैं समझ सकता हूँ कि ये जो एक फीलिंग है ये मुझे लगता है कि दुनिया की सबसे बड़ा रिश्ता है दुनिया का, फादर और डॉटर का। और ये इतनी अच्छी कोशिश अरुण भाई ने और नशीद भाई ने और पूरी टीम ने मिलकर किया है, और वाकई में ये एक निदा फाजली का बहुत खूबसूरत शेर है, वो कहने से ये सब आ जाता है इसमें कि घर से मस्जिद है बहुत दूर, चलो यूं कर लें किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। तो जो नमाज पढ़ने से जो मंदिर में पूजा करने से जो पुण्य मिलता है वो पुण्य एक बच्चे को हंसा करके मिल सकता है, तो यहाँ तो बेटी को गोद लेने की बात है तो मुझे लगता नहीं है कि इससे बड़ा पुण्य दुनिया में और कोई हो सकता है। मैं अपनी तरफ से अरुण भाई को और उनकी पूरी टीम को हार्दिक बधाइयां देता हूं। थैंक यू सर। और बहुत बहुत मैं ऊपर वाले से दुआ करूंगा कि ये जो है इनका मिशन जो है वो दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करे और हिंदुस्तान में एक भी बच्चा ऐसा ना हो जिसके सर पे माँ बाप का हाथ ना हो। अरुण जी आप क्या कहना चाहेंगे? रूप सर कितनी तारीफ कर रहे हैं, बहुत कम बार ऐसा देखने मिलता है कि इतनी बड़ी पर्सनालिटी। एक्चुअली बात तो ये है कि सर का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ, ठीक है, सर को मतलब मान के चले कि 25 साल के बाद देखने को मौका मिला ये जाते हुए लम्हों, मतलब ये इस तरह का सॉन्ग है, मतलब सर के बारे में जितनी तारीफ की जाए कम है, और मेरे लिए आज का दिन किसी सपने से कम नहीं है कि मतलब मैं इनका एक शिष्य हूँ और ये मेरे बारे में मुझे अप्रिशिएट कर रहे हैं, इससे बड़ी बात मेरे लिए और क्या हो सकती है। बहुत अच्छा लिखा है और बहुत अच्छा गाया है, बहुत अच्छा कंपोज किया है, वीडियो भी बहुत अच्छा किया है, मतलब जो चीज़ अगर दिल से आदमी करता है तो उसमें असर जो है वो अपने आप पैदा हो जाता है, तो ये दिल से की हुई चीज़ें हैं और ये बच्ची ने भी इतना खूबसूरत काम किया है कि वाकई में आंखें नम हो गई।
थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सर। मनोज सर बुला रहे, हाँ आए, क्या कहना चाहेंगे, कितना इमोशनल हुए और कितना इम्पोर्टेंट ये जो है इनिशिएटिव है? इमोशनल तो डेफिनेटली होंगे, मुझे लगता है जो जो भी वो गाना सुनेगा और जो वीडियो देखेगा मुझे लगता है वो होगा, क्योंकि अरुण ने बहुत अच्छा गाना गाया है, बहुत अच्छा डायरेक्ट किया है, वीडियो बनाया है। लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ जो मुझे लगता है कि ही इज़ जस्ट आम जनता जैसे हम थे, अभी आपने हमें सेलिब्रिटी बनाया, लेकिन बस दिल से काम किया है एज एन आम जनता, और वहाँ से उसने इतना बड़ा एक काम किया है कि बेटियों के लिए एक नज़र लाना पूरे पूरे दुनिया को कि ऐसा नहीं होना चाहिए और इनको कैसा संभालना चाहिए। आई थिंक फॉर समबडी जो जो हम कहते हैं नॉर्मल मैन, आई थिंक दैट इज़ अमेजिंग आपने जो किया है, जैसे आपने गाया है और आपका सोच जो है वो सबके दिल तक पहुंच गया आपकी गाने और वीडियो से। जी जी, सो आई कंग्रेचुलेट यू और थैंक यू वेरी मच। मैम आप क्या कहना चाहेंगे, आप कितने इमोशनल हुए और क्या कहना चाहेंगे गाने के बारे में? नहीं, जब गाना सुना ही और वो वीडियो देखा ही और वो पूरी जो कहानी अरुण जी ने दर्शाई है पूरे वीडियो में, मैं क्या कहूँ, आई मीन इतना प्योर, इतना सिंपल और इतना स्ट्रॉन्ग मैसेज जो उन्होंने अपने पूरे गाने में और वीडियो में स्प्रेड किया है, आई होप ये गाना और ये वीडियो सब देखें, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जो इनिशिएटिव है ऑफ गर्ल चाइल्ड अडॉप्शन, आई थिंक ये गर्ल चाइल्ड ही जो अभी हम सब कितना बात कर रहे हैं गर्ल चाइल्ड के बारे में, आई थिंक अरुण जी ने गाने के माध्यम से इतनी खूबसूरती से इसको स्प्रेड किया है ये मैसेज। आई जस्ट होप पूरा देश देखे और पूरी दुनिया ये देखे और इसको इम्पोर्टेंस दे, उसको वजन दे, और इस पर हम और जैसे अरुण जी ने काम किया है वो ऐसे ही काम करते रहे। और मेरी सारी सारी विशेज और भगवान का पूरा प्रे करूँगी कि ये आपका गाना सच्ची में तहे दिल से बहुत सक्सेसफुल। थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू। इस गाने के बारे में कितना इमोशनल हुआ है और कितना इम्पोर्टेंट ये इनिशिएटिव है? गाना बहुत सुंदर है, गाना इतना खूबसूरत है कि जो मुझे लगता है जल्दी ज़बान पर भी आ जाएगा, लेकिन जो इनका पीछे इसका जो ध्येय है, जो इसके पीछे ये चाहते हैं कि क्या होना चाहिए इसके बाद, ये बहुत अच्छा रीज़न है जिसके लिए मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और ये सबके लिए, ये सिर्फ हमारे हम कलाकारों के लिए नहीं है, हम सबके लिए है, जो भी इसके साथ जुड़ेगा, जो भी देखेगा, मुझे लगता है वो कहीं ना कहीं अपने आप को देखेगा, फिर वो बेटी हो या बेटा, वो अनाथ नहीं रहना चाहिए। आप सोच के देखिए, ये शब्द ही बड़ा बहुत ही डिस्टर्ब करता है ये, और ये इतनी प्यारी कोशिश है इनकी। थैंक यू सर जी। ऑल्सो सर, इसके अलावा जैसे इनिशिएटिव के बारे में अगर बात करें, बहुत सारे ऐसे किस्से हमें सुनने के लिए मिलते हैं देश विदेश से, तो और इनका जो फाउंडेशन है वो हर पूरे देश में हर जगह पे काम कर रहा है सर जी। उसके बारे में अगर, मैंने वही तो कहा कि कितनी अच्छी बात है कि जहाँ पूरे देश में ये इनका जो मुहिम जो छेड़ा है इन्होंने कि ये बच्चों को अडॉप्ट कर रहे हैं, बच्चों को बहुत ज़्यादा अपने पास लेकर आ रहे हैं, जो वो बच्चे जो जिनको पता ही नहीं है कि उनके माँ बाप कौन है, ये सोचकर भी, अभी मेरी मम्मी चली गई तो मुझे पता है वो क्या फीलिंग आती है जब आपको पता हो कि आपके पास, अब मेरी वाइफ है, वो मैं आपको बता नहीं सकता, वो अभी अभी उन्होंने अपने मम्मी डैडी को खोया है इसी साल, तो वो बात बात में रो पड़ती हैं, तो मुझे पता है कि एक माँ बाप की क्या फीलिंग है माँ बाप के ना होने की। तो वो बच्चे जब उनको माँ बाप मिल जाते हैं, जो उनको पता ही नहीं चलेगा कि वो छोटे हैं और उनके माँ बाप अब हैं, तो वो कितनी प्यारी बात है, कितनी अच्छी बात है। सर, गदर और पठान दोनों के दोनों ब्लॉकबस्टर और कंटिन्यू अभी तक चल रही है जी, तो किस तरह का फीलिंग है? कहीं ना कहीं दोनों कंपेयर किया जा रहा था और दोनों की दोनों में आप है, तो कैसा लगता है आपको? कंपेयर तो एक्चुअली होना नहीं चाहिए, एंटरटेनमेंट की बात है और एंटरटेनमेंट हमेशा जीतना चाहिए, और मुझे लग रहा है कि ये एंटरटेनमेंट जीता है, पठान हो, गदर हो, जवान हो, या बाकी फिल्में भी जो चल रही हैं, जो और भी फिल्में हैं, सबको पसंद किया जा रहा है। ये हमारे क्या कहते हैं, हमारे भारतीय सिनेमा की जीत है जो हो रही है, ये इसके लिए मैं बहुत बहुत थैंकफुल हूँ गॉड का। और कहीं ना कहीं ये भी बातें चल रही है आपको लेकर के कि विलन की कमी थी बॉलीवुड में, आपके आने के बाद में अभी कमी कहीं थी, कौन सी हो गई थी, इस पे क्या लगा? ये ईश्वर की कृपा है सर, अगर ये ऐसा सोच रहे हैं और मुझे इस लायक समझा है इन्होंने सबने, तो मैं सबका आशीर्वाद चाहता हूँ, आप सबका भी, ईश्वर का भी। इसके अलावा कैप्टन और क्या क्या आने वाली है जो लोगों को सरप्राइज करने वाली है? सरप्राइज दोनों को, दोनों सरप्राइज, देखिए आपने आपने खुद कहा है कि सरप्राइज होंगे, तो सरप्राइज तब होंगे जब मैं आपको सरप्राइज दूंगा, वो जल्दी दूंगा आपको सरप्राइज, लेकिन फिलहाल मैं बात करूँगा कि जो इन्होंने
एक एल्बम के जरिए, एक एंटरटेनमेंट के जरिए जो यहाँ छुआ है वो सब तक जाए। जी थैंक यू। अनिल निकम, गलत बोल दिया इसने, पूछा अरुण निकम। अरुण निकम ने जो मेहनत की है, जितने टाइम से मैं उसको जानता हूँ, मेरे घर पे आना जाना है, एक ही बात का मुझे बहुत गुस्सा है। मैं हर वक्त बोलता था मुझे यार तेरी वाइफ से मिलना, मिलाता ही नहीं था, लेकिन आज मेरे बेटी को मिल लिया है, उसके साथ मेरे काफ़ी फोटोग्राफ्स भी हुए। मिलने का मकसद ये है, लड़की एक लड़की होती है, हमारे गुजरात में बोलते हैं लड़की बहाल दो दरियो, ये हमारे बदर उदास जी अटक गए हैं तो उनके मुँह से वो गाना सुनते थे हम। और एक बात पक्की है कि जो लड़की को, जैसे मेरे पास एक ही बेटी है, मैं खुश हूँ। मैंने बेटे की तबरदार बहू आए, बेटा उठा के बाहर फेंके, वो सब लफड़ा दीजिए। हर एक बेटे ऐसे नहीं होते, लेकिन ज़्यादातर ऐसा होता है। बेटी कभी नहीं, बेटी अगर ससुराल होगी ना, वहाँ से भी पता चलेगा कि अगर पिता को कुछ हुआ है, वो भाग के घर पे आएगी और भले वहाँ सुनना पड़े, घर पे आके पूछे कि डैडी कैसा है, पापा कैसा है आपको, इसको कहते हैं बेटी। और ये बेटी हमारे बीच में है, आस्था। हाँ, ये आस्था बेटी ने जो किरदार किया है, कमाल का किया है। इसी उम्र में इस तरह का टेक देना, वो मुझे मालूम है खुदा गवाह में क्या होता था टेक देना, वो आप सबको भी मालूम है क्योंकि आप लोग मुझे जानते हैं। तो ये बेटी ने बहुत अच्छा काम किया है, अरुण वाकई अरुण ने कमाल किया है। तो बोले की बात घूम फिर के वही आती है कि उसकी दिल की इच्छा पूरी हुई है। और आपकी जानकारी के लिए 7, 8, 9 मैं सूरत में हूँ, इसलिए मेरे पे जब, और वो मैं मेरी फैमिली के साथ सूरत आ रहा हूँ और वहाँ भी फंक्शन होगा, वहाँ भी इसी तरह मुझे बोलना है। और जो बोलना है वो दिल से बोलना है, फ्रॉम बॉटम ऑफ द हार्ट। बेटी बेटी होती है, बेटी से बढ़ के कोई नहीं होता। सर कहीं ना कहीं सिंगल सॉन्ग से लोगों की थॉट प्रोसेस चेंज हो गई, एक मैसेज दिया गया इस सॉन्ग में जो नॉर्मली आपके जो गाने आ रहे उसमें नहीं हो रहा, कहीं ना कहीं चेंजेस हैं। ये जो मैसेज, ये जो गाना आया ना, उसके पहले भी एक गाना आया है बेटियां। तो ये दोनों गाने मैंने जब देखे थे तब मेरे को हकीकत में आँख में आंसू आ गए थे। बेटी बेटियाँ होती है, और दोनों के लिए उसने जो गाना किया है कमाल किया है। अरुण इसी तरह करते रहो, इसी तरह आगे बढ़ते रहो, एक दिन ऐसा आएगा मुझे अरुण की सिग्नेचर लगेगी और मैं लूँगा, जरूर लूँगा। थैंक यू। और कोई सवाल? एग्जिबिटर क्या एक्सपेक्ट किया था आपने? ऐसा था कि सवाल अरुण की हाजिरी में ये हो गया है, लेकिन बोलना ज़रूरी है। बॉलीवुड डिक्लाइन हो गया था, हम लोग साउथ की पिक्चर हिंदी डब करके पुष्पा, KGF 1, KGF 2, RRR, ये सब लगा लगा के हमारा थिएटर भरते थे, क्योंकि हमारे गेडी गलीसी में 6 थिएटर है, दिन के 20-22 शो चलते हैं और 44 इंटरवल होते हैं। मराठा मंदिर में मैंने मेरा खुद का रिकॉर्ड तोड़ा है, मोगले आजम 17 साल चली, अब दिल वाले दुल्हनिया ले जाएगी 28 साल से चला। मेरे मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर अरुण डहर का भी इसमें हाथ है कि उन्होंने रेट इतने कम रखे, 30 और 40। आज अब वेटर को 30 रुपया दो, बोला सब रख लो, इतनी टिप नहीं चलेगी, और उसमें मैं पिक्चर बताता हूँ। ये सब कुछ इसलिए करते हैं, इंग्लिश में कहना चाहूँगा, इंस्टेड ऑफ कीपिंग द थिएटर एम्प्टी, रेट कम रख के उसको भर दो ना, वो ज़्यादा अच्छा है। और आप देखिए पठान, गदर 2 और जवान, कमाल कर दिया। अभी वेट कर रहा हूँ सलमान साहब का, सलमान साहब भी आ रहे हैं, वो भी ऐसे ही कमाल करेंगे, देखते हैं। Thank you.